हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जैकोबियन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ एक्स इक्वल्स टू एल आर प्लस एम एस, वाई इक्वल्स टू एम आर माइनस एल एस एंड यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई, वी इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई, देन फाइंड डेल यू वी बाई डेल आर एस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जैकोबियन की बेसिक जानकारी होना चाहिए। वैसे जैकोबियन के फर्स्ट लेक्चर में हमने जैकोबियन के सभी फार्मूलेज और सभी प्रॉपर्टीज बताए थे। वो फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका जैकोबियन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे देखो टोटल 4 इक्वेशंस दिए हैं। पहली दो इक्वेशंस देख के हमें यह समझ में आता है कि x एंड y आर द फंक्शन एंड r एंड s आर द वेरिएबल्स, और दूसरी दो इक्वेशंस देख के हम ये कह सकते हैं कि u एंड v आर द फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। तो इसका यूज करके हम यहां पे एक चेन बनाएंगे, फिर वो चेन में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तब जाके ये जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो पहली दो इक्वेशंस है वो हम पहली दो इक्वेशंस यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, वी हैव क्या दिए हैं पहली दो इक्वेशंस, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एल आर प्लस एम एस एंड वाई इक्वल्स टू एम आर माइनस एल एस। ठीक है, ये पहली दो इक्वेशंस दिए हैं। एक काम करो, ये यहां पे क्या वेरिएबल्स है, तो यहां पे आर एंड एस आर द वेरिएबल्स, तो इनको आर और एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो चलो सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अगर इसको आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे में जो एस है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज डेल एक्स बाय डेल आर। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहां पे भी हम यहां लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल आर। ठीक है, ऐसे में एस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे देखो एल आर सिर्फ यहां पे डिफरेंशिएशन होगा, यहां पे हो जाएगा जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि एस यहां पे कांस्टेंट है, तो यहां पे बचेगा ओनली एल। ठीक है, यहां पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो है क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, यहां पे आर का कोएफिशिएंट क्या है एम, तो यहां पे आएगा एम इस तरह से। और अब चलो अब इनको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहां लिख लेंगे डेल एक्स बाय डेल एस। ठीक है, तो ऐसे में आर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, यहां पर एस का कोएफिशिएंट एम है, तो इसका रिजल्ट आएगा एम। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लिख लेंगे डेल वाई बाय डेल एस। ठीक है, आर यहां पे कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और यहां पे एस का कोएफिशिएंट माइनस एल है तो यहां माइनस ऑफ एल। इस तरह से हमने पहली दो जो इक्वेशंस है इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहां पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए आर और एस के रिस्पेक्ट में। अब एक काम कर लेंगे हम, ये इसके लिए हम यहां पे जैकोबियन फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे एक्स एंड वाई आर द फंक्शंस एंड आर एंड एस आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब अगर हम यहां जैकोबियन का डिफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हम यहां पे कुछ ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है हियर एक्स वाई आर द फंक्शंस एंड आर एस आर द वेरिएबल्स। ठीक है, और अब हम यहां पे जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। सो देयरफॉर दैट इज डेल एक्स वाई बाय डेल आर एस। ठीक है, ये हम यहां पे डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना होता है, इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना होता है। चलो देखते हैं इसका यहां पे डिटरमिनेंट क्या आएगा। काफी सिंपल है क्योंकि एक्स वाई फंक्शन है, आर एस वेरिएबल है, तो फंक्शन हमेशा ऊपर आता है, आर एस हमेशा नीचे आता है, तो वो हमने यहां पर जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर क्या कर लेंगे, देखो यहां पर मॉड में हमने लिख लिया है, अब इसके अंदर में कंटेंट क्या क्या यहां पर लिखना है वो जरा आप ध्यान दो। तो यहां पर हम लिख लेंगे डेल एक्स बाय डेल आर। ठीक है, देन डेल एक्स बाय डेल एस पहले रो में आएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे डेल एक्स बाय डेल आर देन डेल एक्स बाय डेल एस। ठीक है, ये पहले रो में। सेकंड रो में क्या आएगा, डेल वाई बाय डेल आर देन डेल वाई बाय डेल एस, तो हम यहां लिख लेंगे डेल वाई बाय डेल आर और फिर डेल वाई बाय डेल एस। इस तरह से हमने यहां पे डिटरमिनेंट तैयार कर लिया है और अब बस ये इनका रिजल्ट जो है वो हमें इसके अंदर में लिख लेना है। ठीक है, तो डेल एक्स बाय डेल आर ये हमें पता है, ये यहां पे पुट करो, डेल एक्स बाय डेल एस ये भी हमें पता है, यहां पुट करो और ये दोनों रिजल्ट यहां पे पुट करो। चलो देखते हैं इसके बाद क्या मिलता है, हम यहां पे लिखना कंटिन्यू करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड है डेल एक्स वाई बाय डेल आर एस। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लिख लिए।
ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर सबका रिजल्ट हमें यहां पे लिखना है, तो चलो वो हम यहां लिख लेंगे। तो डेल एक्स बाय डेल आर, तो वो क्या है एल, तो हम यहां लिख लेंगे पहले एल फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट। और अब डेल एक्स बाय डेल एस, तो वो है एम, तो यहां लिख लेंगे एम, ठीक है, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट। आगे बढ़ेंगे सेकंड रो में, देखो डेल वाई बाय डेल आर लिखना है, इट मीन्स एम, ठीक है, और फिर डेल वाई बाय डेल एस इट मीन्स माइनस ऑफ एल। तो इस तरह से ये हमने यहां लिख लिए, ओके। और फाइनली हमने डिटर्मिनेंट के अंदर कंटेंट लिख लिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो डिटर्मिनेंट में अगर है तो इसको सॉल्व करना काफी सिंपल है, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल स्क्योर माइनस ऑफ एम स्क्योर, ठीक है। आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा एल स्क्योर प्लस एम स्क्योर, और यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें डेल एक्स वाई बाय डेल आर एस का रिजल्ट हमें यहां पे मिल गया, ठीक है। इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर वन भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करके आगे हम ये जो है रिजल्ट जो है वो हम चेन रूल जब हम अप्लाई कर लेंगे उसमें हम ये रिजल्ट पुट करने वाले हैं। तो फाइनली पहली दो इक्वेशन जो दिए थे, पहले दो इक्वेशन को हमने लिए, उसको डिफरेंशिएट किए, उसमें जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई किए, तो ये रिजल्ट मिला। अब दूसरी दो इक्वेशंस लो, ये देखो ये जो दूसरी इक्वेशंस है दोनों, ये इक्वेशंस हम लेंगे उनमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो चलो अब हम यहां पे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ऑल्सो वी हैव जो रिमेनिंग जो दो इक्वेशंस है वो हम यहां लिख लेंगे। पहली इक्वेशन है यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई एंड वी इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। यहां पे चेक करो फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, तो यहां पे u एंड v आर द फंक्शंस क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनको x और y के रिस्पेक्ट में पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा यहां पे किए थे बिल्कुल सेम चीज यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे डेल u बाय डेल x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऐसे में y कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहां पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, तो e टू द पावर x एज इट इज रहेगा इनटू cos y वो कांस्टेंट है, ठीक है। और अब देखो यहां पे हम करेंगे डेल v बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा इनटू sin y एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। अब इन्हीं को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हम यहां लिख लेंगे डेल यू बाय डेल वाई। जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे में x जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो e टू द पावर x कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन y, ठीक है, इस तरह से। और अब आगे कंटिन्यू कर लेंगे यहां पे डेल v बाय डेल y, देखो डेल v बाय डेल वाई, तो डेल वी बाय डेल वाई का क्या रिजल्ट मिलता है, चलो वो भी हम यहां लिख लेंगे। इसका मतलब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो e टू द पावर x कांस्टेंट है तो वो हम एज इट इज लिखेंगे, साइन y का हम लिख लेंगे cos ऑफ y। तो फाइनली हमने ये दो इक्वेशंस को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है x और y के रिस्पेक्ट में। और अब हम यहां पे इसी तरह का स्टेटमेंट लिख लेंगे कि यहां फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है, और फिर हम उसमें जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो चलो हम यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, हियर यू वी आर द फंक्शंस एंड एक्स वाई आर द वेरिएबल्स, ऐसा स्टेटमेंट लिख लिए। और अब चलो यहां पे जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। यू एंड वी फंक्शन है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, और एक्स और वाई वेरिएबल है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन हम यहां पर लिख सकते हैं डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, ठीक है, ये देखिए डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, ठीक है। और अब यहां पे इसको भी हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैकोबियन को हमेशा डिटरमिनेंट में ही सॉल्व करना होता है। तो अब हम यहां पे लिखते जाएंगे, जैसा हमने यहां पे तैयार किए थे बिल्कुल वैसा ही वहां पे भी है, ठीक है। सो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई फर्स्ट रो में आएगा, तो हम यहां लिख लेंगे डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, ये आ गया फर्स्ट रो में। उसके बाद डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ये आएगा सेकंड रो में, तो हम लिख लेंगे डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई, ये सेकंड रो में, इस तरह से, ओके। और अब हम यहां पे सभी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये सभी का वैल्यू हमें पता है, जैसा हमने यहां किए थे बिल्कुल वैसा ही, ये सभी का वैल्यू हमने यहां पे ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, यहां पे पुट करो, देखते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम यहां पर लिख लेंगे, दैट इज डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। और अब
यहां पे राइट हैंड साइड में है यहां पे डिटर्मिनेंट और इसके अंदर हमें रिजल्ट पुट करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है डिटर्मिनेंट, तो ये हमने लिख लिए। देखो डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, तो हम यहां लिख लेंगे ई टू द पावर एक्स इन टू कॉस ऑफ वाई। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई, तो वो क्या है माइनस ई टू द पावर एक्स इन टू साइन वाई, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस ई टू द पावर एक्स इन टू साइन ऑफ वाई। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रो। और अब सेकंड रो की बारी, डेल वी बाय डेल एक्स वो है ए टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई, तो हम यहां लिख लेंगे ए टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई। और फिर डेल वी बाय डेल वाई वो है दैट इज ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई, तो यहां लिख लो ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। फाइनली इस तरह से ये हमने सभी का रिजल्ट यहां पे लिख लिए। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है जैसा आपने यहां किए थे बिल्कुल वैसे ही वहां पे भी करना है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, देखो यहां पे ये दोनों जो है ये सेम टू सेम है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये हम ऐसा लिख लेंगे e टू द पावर एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है इसीलिए। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये भी दोनों सेम है e टू द पावर एक्स इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर। देखो इस तरह से समझ में आया। और अब यहां पे होल स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे अंदर के जो उसके टर्म्स है उसमें भी हम स्क्वायर दे देंगे। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो e टू द पावर एक यहां पे 2x इंटू कॉस कॉस स्क्वायर वाई, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि उसका होल स्क्वायर है ना, जब उसका होल स्क्वायर है तो x इंटू टू हो जाएगा, तो यहां पे 2x आ जाएगा, मतलब हमने इसका भी स्क्वायर ले लिए इसका भी स्क्वायर ले लिए, इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहां पे भी हमें वही करना है, प्लस e टू द पावर 2x इंटू साइन स्क्वायर वाई, इस तरह से। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहां पे एक्सपोनेंशियल हम कॉमन ले लेंगे, तो e टू द पावर 2x कॉमन आ गया और जो बचा है वो हम यहां लिख लेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हो जाएगा कि यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा वन होता है, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा वन और हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ ई टू द पावर टू एक्स ऐसा मिल जाएगा। तो हम अब यहां पर फाइनली लिख सकते हैं, सो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें जस्ट मिला है ई टू द पावर टू एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। ठीक है, तो ये फाइनली हमने यहां तक जो सॉल्व किया है, हमने पहली दो इक्वेशंस लिए, पहली दो इक्वेशंस के थ्रू हमने ये जैकोबियन का रिजल्ट निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद की दो इक्वेशंस लिए उसके थ्रू हमने ये जैकोबियन का रिजल्ट निकाल लिए, लेकिन प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट किया क्या, नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड, देखो इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था दैट इज डेल यू वी बाय डेल आर एस, जबकि डेल यू वी बाई डेल आर एस ना ही यहां पे है ना ही यहां पे है। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे में जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, अब हम यहां पे एक चेन तैयार कर लेंगे, वो चेन में चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे फंक्शन और वेरिएबल क्या क्या रहेंगे चेन के लिए वो हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। तो जैसा हमने यहां पे लिख लिया है x एंड y आर द फंक्शन एंड u एंड r एंड s आर द वेरिएबल्स, और यहां पे भी हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है u एंड v आर द फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स, तो इसके थ्रू हम एक रिजल्ट पे एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। हम यहां पे ऐसा कहेंगे कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर द फंक्शन ऑफ r एंड s, समझ में आया, u v एक्स वाई के फंक्शन है और एक्स वाई आर एस के फंक्शन है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां स्टेटमेंट में, तो ये देखिए हमने यहां पे स्टेटमेंट में लिख लिया है, यहां से यहां तक स्टेटमेंट है, यहां हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, देखो इक्वेशन नंबर वन और टू को देख के हमने क्या यहां पे कंक्लूजन निकाले हैं, ये इक्वेशन नंबर वन एंड टू कहो या गिवन जो फोर इक्वेशन है वो कहो, तो उसके थ्रू हमने यहां पे लिख लिया है वी कैन से यू वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ आर एंड एस, इस तरह से हमने यहां पे कंक्लूजन निकाले हैं, तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है अब उसका हमें एक चेन तैयार करना है, तो चलो यहां पर हम चेन तैयार कर लेते हैं। तो हम यहां पर चेन ऐसा तैयार करेंगे, क्या कहा है वहां पर, पहले स्टेटमेंट में लिख लिया है u and v are the function of x and y, तो देखो चेन ऐसा बनेगा u v, ठीक है, u v are the function of x and y, और अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है x and y are the function of r and s,
तो यहां पे ऐसा देखो, x एंड y आर द फंक्शन ऑफ r एंड s, ये हमने फाइनली चेन तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, बस ये चेन में चेन रूल अप्लाई करना है। तो चेन रूल कैसे तैयार करेंगे, तो काफी सिंपल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय चेन रूल, तो हम यहां पे लिख लेंगे बाय चेन रूल। तो चेन रूल अप्लाई करते समय हमें क्या करना होता है, चेन रूल अप्लाई करते समय आपको यूवी से डायरेक्टली आरएस की तरफ चलना है। यूवी से डायरेक्टली आरएस की तरफ जाएंगे तो ऐसा लिख लेंगे देयरफॉर दैट इज डेल यूवी बाय डेल आरएस। देखो ऐसा यूवी से डायरेक्टली आरएस की तरफ गए, डेल यूवी बाय डेल आरएस, ओके। और अब यहां पे स्टेप वाइज चलो, स्टेप वाइज मतलब यूवी से डायरेक्ट आरएस गए थे, ये डायरेक्ट गए थे, अब आपको स्टेप वाइज चलना है, यूवी से पहले एक्स वाई चलो फिर एक्स वाई से आरएस चलो, ऐसा स्टेप वाइज, ठीक है। तो यूवी से जब आप एक्स वाई जाएंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं डेल यूवी बाय डेल एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। इनटू अब एक्स वाई से आरएस चलना है, डेल एक्स वाई बाय डेल आरएस, ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ओके। पहले हमने यहां से यहां तक डायरेक्ट गए इक्वल्स टू, फिर स्टेप वाइज गए, ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप, तो यहां से यहां गए तो ये बना, यहां से यहां गए तो ये बना, ओके। फाइनली अब हमने यहां पे चेन रूल अप्लाई कर लिया है, अब यहां पे इनका रिजल्ट पुट करो। इनका रिजल्ट हमें यहां पे पता है, देखो डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, इसका रिजल्ट हमें पता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू, ये आता है ई टू द पावर टू एक्स, तो हम यहां लिख लेंगे ई टू द पावर यहां पे टू एक्स, ठीक है। इन टू ये डेल एक्स वाई बाय डेल आर डेल आर एस, इसका रिजल्ट हमें पता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन, तो ये हम यहां लिख लेंगे, माइनस में है तो हम ब्रैकेट में दे देंगे, दैट इज माइनस, चलो इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या है ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वेशन नंबर वन हमने यहां पे रिजल्ट में लिख लिया है। इसके नीचे आप ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ओके, समझ में आया। और अब देखो जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसके तरफ आप ध्यान दो, फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था, डेल यूवी बाय डेल आरएस, और ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब अब हम यहां पे फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर दैट इज डेल यूवी बाय डेल आरएस, जो हमें फाइंड आउट करना है देखो वो इसके यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है, वो हमने यहां लिख लिए, और इसको कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ये माइनस यहां पे बाहर ले लो, तो बाहर ले लिए e टू द पावर 2x और ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और यहीं पे हमें अब इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ये आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होता, ये सफिशियंट है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके पहले एग्जाम में भी आया था, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। ये था जैकोबियन, ये टॉपिक का आज का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।